हॉर्टिकल्चर किंग कोलकाता में आपको फिर से एक बार वेलकम। फ्रेंड, आप लोग जो एडेनियम खरीदते हो हमसे, आपका एक क्वायरी रहता है कैसे रिपोर्ट करना है, तो ये वीडियो में आपको वही बताएंगे। देखिए, हम बहुत सारे पौधों को रिपोर्ट किए हैं कोकोपीट में। हाँ, हम कोकोपीट में ही उगाते हैं फ्रेंड, और सॉयल में भी करते हैं। ये देखिए, हम गार्डन सॉयल में भी रिपोर्टिंग किए हैं, पर इसको थोड़ा तैयार करने का प्रोसेस है वो हम अब आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, और आप भी इसमें कीजिएगा तो 95% आपको सक्सेस रेट मिल जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, 100% ही पकड़ सकते हैं आप। फ्रेंड, पहले तो ये जो कोकोपीट में लगा है, ये कोकोपीट को आपको जब ब्लॉक खरीदेंगे या कहीं से खरीदेंगे तो इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। इससे जो काला कलर का पानी निकलता है वो पूरा निकाल दीजिएगा। फिर जब थोड़ा फ्रेश हो जाए पानी, फिर आप उसे धूप में रखिए, उस कोकोपीट को। फ्रेंड, इसके सेकेंड प्रोसेस जो है, इस कोकोपीट, ये है सॉयल मीडिया, ये कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। सॉयल भी यूज़ कर सकते हैं, गार्डन सॉयल के साथ आप सैंड ये वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट अगर यूज़ करेंगे तो इसमें और कुछ मीडिया नहीं लगेगा, ये अकेला ही काफ़ी है। और अगर आपके पास ऐसे थर्मोकोल के छोटे छोटे, देखिए ऐसा बल्ब मिल जाता है, तो आप ये भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये पानी अगर ज़्यादा होता है तो आपने अंदर खींच लेता है, ऐसे थर्मोकोल का जो बॉल होता है। ठीक है फ्रेंड, फिर आप इसमें ये जो कोकोपीट आप ड्राई करेंगे धूप में, उसके साथ थोड़ा सा बोन मील, हॉर्न मील, नीम खली, थोड़ा सरसों खली, और ये सारे चीज़ को मिला के आप धूप में रख सकते हैं। हाँ, फिर बोन मील, हॉर्न मील, फॉस्फेट, नीम खली, सरसों खली, थोड़ा सा फॉस्फेट, ये सब मिला के आप इसे धूप में, सॉरी हाँ रखिए, पूरा ड्राई कीजिएगा। ये पांचों चीज़ मिला के जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा कोकोपीट, इसे लगभग आपको 7 दिन तक रखना है। 7 दिन तक आप इसे रख सकते हैं, और फिर इसे उस मीडिया में आप प्लांट को रिपोर्टिंग कर दीजिए। जब भी आप प्लांट ऑर्डर करते हैं तो सॉयल पहले से रेडी करके रखिए, कि प्लांट जाते ही आप उसे रिपोर्टिंग कर सके। तो ऐसे लगाने से आपको देखिए प्लांट ग्रोथ भी लेगा, और ये एकदम ऐसा बढ़िया फ्लावर भी खिलेगा। फ्रेंड, एकदम हमारा वादा है, आप करके देखिए, कोई मिस नहीं होगा कोकोपीट में। और अगर ग्राउंड सॉयल में भी, ग्राउंड गार्डन सॉयल जो होता है उसमें लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको सैंड, उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ में आपको ध्यान देना है कि ड्रेनेज सिस्टम अलग अच्छा होगा तो प्लांट ग्रोथ लेगा जल्दी से जल्दी। और फ्रेंड, इसमें आप कुछ एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, तो एप्सम सॉल्ट डालने से आपका प्लांट का रूटिंग जल्दी शुरू होता है, उसके रूट्स के लिए अच्छे होता है। तो ऐसे आप रिपोर्टिंग कीजिए, और ऐसे बढ़िया फूल देखिए अपने एडेनियम प्लांट में। थैंक यू फ्रेंड, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी एडेनियम चाहिए, आप जानते हैं हम एडेनियम सेलर हैं, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू।